सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2022, और मैं आशा करता हूँ आप सभी का ये साल अच्छा जाए। वैसे उम्मीद तो कुछ लग नहीं रही, ओमिक्रॉन के केसेस राइज हो रहे हैं दिल्ली में हर जगह। तो आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ थार लेके, नई थार है ऑटोमेटिक वाली, दिखाता हूँ गाड़ी भी आपको। पहले तो कल सर्विस होके आई है, आज इसकी वॉशिंग वगैरह करवा लेता हूँ। और अभी नितिन भी था यहाँ पे, मेरा कज़न, वो अभी इनोवा भी नहीं लेके आए हैं, उस इनोवा की वॉशिंग करवाने दूसरे सर्विस स्टेशन पे गया है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता। बस फटाफट वॉशिंग करवा के घर पे जाके रेडी होके दिल्ली के लिए निकलते हैं, क्योंकि दिल्ली में एक्चुअली एक दो काम हैं। तो सोच रहे हैं अगर टाइम बच गया कहीं पर घूम फिर भी आते हैं, मैं और अभी जाएंगे। तो एक्चुअली इनको ज़्यादा टाइम लग रहा था, मैंने इनको बोला बस कपड़ा मार दो, क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं है थार बाहर से, और अंदर से तो कल सर्विस होके आई थी, बस थोड़ी सी ये मैं बाद में ही साफ़ कर लूँगा। और ये भाई अभी कपड़ा मार रहे हैं, फिर कपड़ा मारने के बाद चलते हैं, ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मैं लेट हो जाऊँगा अगर करवा लिए तो। ऑलरेडी 8:32 हो चुके हैं, देखिए टाइम, बस अभी निकलते हैं यहाँ से कपड़ा मरवाते ही। तो इनफैक्ट मैं बात ही कर रहा था और नितिन भी आ गया यहाँ पर, देखिए वो है पीछे इनोवा, मैं दिखाता हूँ उतर के। एक्चुअली कोई भी सर्विस स्टेशन अभी खुला ही नहीं हुआ, तो नितिन को भी यहीं आना पड़ा, वेट करना पड़ेगा। और ये इनोवा है, नहीं लिए तो ये इनोवा भी नहीं लिया बिल्कुल, अंदर से दिखाता हूँ आपको। परसों आई है ये, और वो थार रही, मैं दिखाता हूँ आपको। तो आज ये लेके चलते हैं दिल्ली, और अभी सबसे पहले बस इसको साफ करवा के घर पे रेडी होने जाना, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ अभी। तो दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल साफ़ कर दिया है, मतलब हमने टाइम नहीं था तो हमने बस कपड़ा मरवा लिया, ज़्यादा गंदी नहीं हो रही थी। और सनराइज़ भी हो चुका है, प्यारी सी धूप निकल चुकी है, तो बस अभी चलते हैं, काम तो अच्छे से हो गया, तो ग्रेट सक्सेस। सो आई एम रेडी टू गो, और अभी 10 बज चुके हैं, तो अभी अभय को भी लेना है, और लेट पहले ही हो चुका हूँ, और ट्रैफिक भी मिलेगा, तो बस फटाफट निकलते हैं। तो अभय मेरे साथ आ गया है, और एक्चुअली हम जल्दबाजी में खाना वाना नहीं खा के आए, तो अभी पहले ढाबे जाएंगे, ढाबे पे पैक करवा रखा है, बस वो उठाना है मन्नत ढाबे से। तो ढाबे पे जाके तेल भरवाते हैं, तो जब गाड़ी में तेल भरवाने के लिए हमने कुछ स्पेशल किया है, तो जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उतना ही हम तेल भरवाएंगे। जैसे 820 के आसपास, या पता नहीं, मैंने सुबह चेक किए थे 821 थे शायद, तो हम उसको जाके बोलेंगे 821 का ही तेल डाल दो, तो देखेंगे क्या उनका रिएक्शन रहता है और कैसे वो रिएक्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले ढाबे पे जाएंगे, वहाँ से खाना वाना उठाते हैं। तो हमने ढाबे से सामान ले लिया, बस लेट हो रहे थे बिल्कुल, अभी निकलते हैं, और अभी फ्यूल स्टेशन पे जाएंगे, तो बस अभी फटाफट निकलते हैं। बेल्ट वगैरह लगा लिया हमने, मास्क लगा लिया, क्योंकि दिल्ली में चलान है, अब केसेस वगैरह भी बढ़ रहे हैं, तो बस अभी फटाफट निकलते हैं। A few minutes later. तो हम आ गए हैं यहाँ पे पंप पे, तो भैया को बोलते हैं, 823 हो गए हैं सब्सक्राइबर्स, तो भैया को बोलते हैं कि 823 का डाल दो, तो देखते हैं क्या रिएक्ट करते हैं भैया। इसमें थार में चाबी निकाल के बाहर से खुलेगा, भैया 823 का डाल दो, 823 823 अभी हमारे 823 सब्सक्राइबर हैं, तो 823 का डलवाया है, कभी मिलियंस में पहुंचाओ तो मिलियंस का भी डलवाएंगे, सभी गाड़ियों का टैंक फुल करवा लेंगे। ठीक है भैया, चलाओ। हो गया 823 का। तो हमारी ये सस्ती मस्ती थोड़ी सी हम पे ही भारी पड़ गई, एक्चुअली पहले ही लेट हो रहे थे, तो इनके पास खुले पैसे नहीं थे, तो खुले ढूंढने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, 10 से 15 मिनट लगा दिए इन्होंने। तो बस अभी चलते हैं फटाफट दिल्ली की तरफ। हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट, और बस यहाँ से तो थोड़ी दूरी पे जाना है मेरे को, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, तो अभी स्टेडियम में मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स का वर्क है और एक सामान उठाना है, तो बस अभी सबसे पहले JLN स्टेडियम ही चलते हैं, और काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है, और अभी अगले कट से लेफ्ट होना है मेरे को, यहाँ से जो आएगा यहाँ से लेफ्ट। चलिए
मेरा चालान ना हो जाए तो मेरे को तो सेफली ड्राइव करना होगा, तो मैं वहीं पे स्टेडियम जाके मिलता हूँ। तो हम आ गए हैं स्टेडियम के अंदर और ये है हमारा आर्चरी का ग्राउंड। तो बस अभी यहाँ से कुछ सामान लेना है मेरे को आर्चरी का, तो बस अभी सामान लेके मिलता हूँ। A little longer than a few minutes. तो मेरे पीछे आप जो ये बैग देख रहे हो और वो बैग भी, तो ये स्टेडियम से लेना था तो ये स्टेडियम से ले लिया है। अभी एक जगह जाना है, ये सीट बेल्ट का बोल रहा शायद, तो एक जगह अभी जाना है तो वहाँ पे जाते हैं। एक्चुअली मेरी एक कज़न है, उसको पिकअप करना है, तो फिर देन उसके बाद देखते हैं अगर कहीं टाइम वगैरह बचता है तो कहीं घूम फिर लेंगे, क्योंकि खाना भी लिया था, भूख भी लगी हुई है तो खाना भी खाएंगे। और अभी 12:37 हो गए हैं, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो बस अभी स्टेडियम से बाहर निकलते हैं। मैं आपको स्टेडियम के थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैसा हमारा स्टेडियम है। तो देखिए ये मेन स्टेडियम है, पीछे एथलेटिक्स का ग्राउंड है और ये मेन अंदर से है, इसके अंदर भी एक एथलेटिक्स का ग्राउंड है और यहाँ से एग्जिट है। मैं दिखाता हूँ आपको एग्जिट, ये बैक साइड में क्रिकेट का ग्राउंड है, वो जो पीछे फाउंटेन्स चल रहे हैं, और ये है मेन एग्जिट स्टेडियम का, जेएलएन स्टेडियम का। अब यहाँ से हमें जाना है साउथ एक्स, मेरी एक कज़न है उसको पिक करते हैं साउथ एक्स से एंड देन फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं हम कहाँ नहीं। तो हमने नीतू को भी बिठा लिया है, वो ग्रीन लाइट होगी, एक्चुअली हम रेड लाइट पे थे और काफ़ी सारा सामान है, इसका भी सामान था कुछ, तो वो पूरा सारा सामान ले लिया है। और ये पेंटिंग भी करती है, पेंटर है ये एक बार इसकी पेंटिंग ये रखी हुई, बाद में दिखाते हैं। अभी तो लोधी रोड पे जाते हैं और वहाँ पे एक गार्डन है, उसमें बैठ के खाना वाना खाते हैं। एक्चुअली सुबह से हमने खाना भी नहीं खाया है, तो अभी जाते हैं वहाँ पे और टाइम 1:15 हो गए हैं तो ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं, तो बस वहाँ पे जाते हैं फटाफट। तो कार यहाँ पे पार्क कर दिया है और हमने अपना खाना ले लिया है, एक पिकनिक वाली फीलिंग आ रही है कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं, एक बार पकड़ी हुई है। तो हम अभी आए हैं लोधी गार्डन, हम तीन कज़न हैं और यहाँ पे तू पहले आ चुके हैं यहाँ पे? हाँ मैं तो डेली आती हूँ, ये अब फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पे और मैं भी काफ़ी बार आ चुका हूँ यहाँ पे। तो बस अभी अंदर जाएंगे, बैठ के खाना वाना खाएंगे और फिर निकलते हैं, क्योंकि हमने भी सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए ये बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो ये पार्क की एंट्रेंस है, यहाँ पे दोनों तरफ पेड़ पौधे और पक्षियों की आवाज़ काफ़ी सुंदर है। यहाँ पर हमारे स्टेडियम से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। और सामने देखिए वो कुछ मकबरा टाइप बना रखा है, अभी चलते हैं वहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे और कुछ सिनेमैटिक व्यूज़ भी डाल देता हूँ मैं यहाँ के, आप इंजॉय कीजिए उन सिनेमैटिक व्यूज़ को। अभी इस मकबरे के अंदर जाएंगे और बैक साइड में एक बहुत ही सुंदर गार्डन है, क्योंकि हम पहले यहाँ आ चुके हैं तो उस गार्डन में बैठ के खाना खाते हैं। और देखिए यहाँ पे ये फैमिलीज आई हुई हैं, चलते हैं ऊपर चलते हैं। और अंदर से ऐसे हैं ये मकबरे और ये इस तरफ बहुत ही सुंदर पार्क है। तो मेन इस पार्क के लिए आए हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे बैठ के हम अपना आराम से खाना वाना खाएंगे। और बिल्कुल साफ़ आसमान है, काफ़ी अच्छा मौसम है। तो रोटियाँ हैं, रायता है और सलाद है और हम बहुत मज़े से खाना खा रहे हैं। धूप है और इतना अच्छा व्यू है चारों तरफ, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल पिकनिक वाली फीलिंग आ रही है इतने टाइम बाद। लस्सी भी है, बिल्कुल शुद्ध घर का खाना है, क्योंकि कोरोना में ज़्यादा बाहर का भी नहीं खाना चाहिए। तो बस खाना खा के मिलते हैं, देखिए कितना परफेक्ट खाना है और हम अच्छे से खाना खा ले फिर मिलते हैं। तो खाना खा के हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ली, काफ़ी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आई और अभी उस तरफ जा रहे हैं, पार्क घूमेंगे थोड़ा बहुत। और अभी एक्चुअली यहाँ पे पैसे मांगने के लिए आ गए थे और हमारे पास कैश ही नहीं था, तो अभी उन्होंने बोला, मतलब बैगर्स के पास पेटीएम की मशीन है,
वो कहते हैं हम अपनी पेटीएम की मशीनें भी लेके आ रहे हैं, तो बस हम आगे की तरफ आ गए। मतलब वो मांग रहे हैं पैसे और उनके पास पेटीएम तक की मशीन है, तो कितना तगड़ा स्कैम है दिल्ली में। और अब एक ये भी जगह अच्छी है और पूरा पार्क वगैरह घूम रहे हैं अभी हम। देखिए कितनी अच्छी क्रिएटिविटी है, मतलब पेड़ों को ही काट के ये फोटो बूथ से बना रखे हैं पार्क में। और इस पार्क के लिए कोई एंट्री फीस वगैरह नहीं है, मतलब दिल्ली का एक बिल्कुल नॉर्मल सा पार्क है। और यहीं पे नहीं, देखिए वहाँ पे भी कितना अच्छा फाउंटेन वगैरह लगा रखे हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, उस तरफ आ जाओ, देखिए वहाँ पे पूरा फाउंटेन वगैरह लगा रखे हैं। और मतलब कितना अच्छा है, जैसे आपकी लोकेलिटी में अगर ऐसा कोई पार्क हो जिसमें टूरिस्ट भी आएँ और आप भी जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकें। ये पार्क ऑलमोस्ट 90 acres में है जैसे मैंने नेट पे देखा था, और यहाँ पे बोर्ड से भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। देखिए ये है वो फाउंटेन, छोटा सा है पर अच्छा है, काफ़ी सुंदर है। एक नॉर्मल से पार्क में, रीजनल की उसमें तो अच्छा ही है किसी रीजनल पार्क के हिसाब से। तो अभी मैं थोड़ा सा हिस्ट्री का ज्ञान छिड़क दूँ, यहाँ पे है सिकंदर लोदी का मकबरा, और ये पूरे मकबरे का शेप दिखा रखे कि कैसे है मकबरा। और ये एक ASI की भी बिल्डिंग है, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा कि ASI क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये उसकी भी प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है। और ये इब्राहिम लोदी ने है ना, तो ये इब्राहिम लोदी ने बनाया था। और ये देखिए ये यहाँ पे मकबरा है, लोग फोटो वगैरह के लिए आते हैं इस एरिया में। किस इब्राहिम लोदी ने किसको हराया था? बाबर को। तो अभय भाई की हिस्ट्री में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो इन्होंने बताया इब्राहिम लोदी ने बाबर को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। और देखिए ये वो उनका मकबरा है, कितना सुंदर है। Sometimes someone comes into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything. Just like you did, took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe, believe in real love. तो फाइनली अब हम यहाँ से जा रहे हैं, तो काफ़ी सुंदर जगह है। अगर आप भी दिल्ली की साउथ दिल्ली की तरफ आओ, सुप्रीम कोर्ट या इंडिया गेट के पास, तो विज़िट कर सकते हो। ये लोधी गार्डन है, काफ़ी सुंदर गार्डन है, कोई भी एंट्री चार्जेस नहीं है, आओ आराम से बैठो, एंजॉय करो फैमिली के साथ। तो बस अभी चलते हैं घर की तरफ। 3 hours later तो फाइनली रीच्ड होम, और ऑलमोस्ट 5 बज गए। अभय और नीतू को भी छोड़ा, दोनों को छोड़ के घर पे पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर तो हो गई। तो यार रात को जो थार लगती है काफ़ी प्यारी लगती है, मैं एक बार आपको थार की लुक दिखाता हूँ रात की। तो शाम के 5 बजे आज हल्का हल्का अंधेरे का मौसम है, तो मैं एक बार इसको आपको रात की लुक दिखाता हूँ, जब लाइटें वगैरह जलती हैं कितनी प्यारी लगती है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो रात की लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, मैं एक बार अंदर से लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए कितना प्यारा लुक दे रही हैं ये लाइट्स। तो बस इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस सिंपल एंड शॉर्ट ब्लॉग फॉर व्हाट्सो एवर रीजन, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, बट रिएक्ट कीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल पे, जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि ऐसा ही नया नया कंटेंट लेके आऊँ। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, वीक में एक वीडियो तो आएगी। तो बस एक मैंने क्रिसमस पे भी शूट किया था थोड़ा सा पार्ट, बट वो किसी रीज़न से बना नहीं पाया मैं। सो अब ये न्यू ईयर का अगेन आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। इस साल बिल्कुल मतलब जो आपके रेजोल्यूशंस हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं, उनको कम्प्लीटली फॉलो कीजिए, मैं भी फॉलो करूँगा। मेरे को वेट लूज़ करना थोड़ा सा, एप्स वगैरह की सोच रखी है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो।